अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की बड़ी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। वीकेंड का मतलब होता है स्पेशल नाश्ता, क्योंकि रोज़ मैं तो खाती हूँ सुबह नाश्ते में अंडा ब्रेड चाय और समझे, और सिर्फ हस्बैंड और बच्चों के लिए बनाती हूँ पराठा। आमतौर पर आलू के पराठे में कच्चा मसाला डाला जाता है, यानी आलू बॉईल किए, उसे मैश किया और मसाले डाल के पराठे में फिलिंग कर दी। लेकिन मेरी अम्मा जिस तरीके से बनाती थी, आज मैं आपको वो बनाना सिखाती हूँ। तो पहले हम लेंगे ऑयल, इसमें हमने डाली है जीरा, और डालेंगे इसमें सौते करेंगे अपनी बारीक चॉप की हुई प्याज को। ये ज़रा करीब से इसलिए आपको ज़रा मोटी लग रही है, वरना ये मैंने बारीक ही काटी थी। प्याज के सॉफ्ट और गोल्डन हो जाने पर हम इसमें डालेंगे मोटे कटे हुए टमाटर। मोटे हम इसलिए काटेंगे और हम अपने स्पैचुला की मदद से हम इसे प्रेस करते जाएंगे ताकि उसका छिलके का कलर सेफ रहे। इस दोनों को हम लोग अच्छे तरीके से सौते कर लेंगे। जी बिल्कुल बेफिक्र रहे, हम आलू के पराठे ही बना रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के नमक, 1 टीस्पून भर के डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी और 1/2 टीस्पून ही डालेंगे हम पिसा हुआ धनिया। इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और 1 प्याली भर के डालेंगे इसमें दही का। दही इसमें हम इसको देखिए, मैं यहाँ स्पैचुला की मदद से इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि टमाटर भी मसाले के साथ यकजान हो जाए। अब हम इसको मसाले को भूनेंगे अच्छी तरीके से, तब जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। यहाँ मैंने लिए हैं 5 दरमियाने साइज़ के आलू, उनको हम कर लेंगे अच्छी तरीके से मैश, कोई भी इसमें लंप ना रहे ताकि वो पराठे को तोड़े नहीं। अच्छे तरीके से हम इसको मैश 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 कर लेंगे। आप बताएं वीकेंड पे आपके घर में लंच में या ब्रेकफास्ट में स्पेशल क्या बनाया जाता है। जितने भी हमारा ये मसाला फ्राई हो रहा है, इतने मैंने आलू मैश कर लिए हैं। अपना देखें मसाले ने आहिस्ता आहिस्ता अपना ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। मसाले के फ्राई हो जाने पर मैं इसमें शामिल करूंगी मोटा कटा हुआ हरा धनिया, लेकिन फ्रेश डालिएगा। हरा धनिया डालने के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके ठंडा होने पर हम इसमें शामिल करेंगे अपने मैश किए हुए आलू, लेकिन सारे हम एक साथ नहीं करेंगे। पहले हम इसको अच्छे तरीके से ठंडा कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी करके शामिल कीजिएगा, क्योंकि इस तरह मिक्स करने में भी आसानी रहेगी आपके लिए। ये देखिए थोड़े थोड़े करके मैं इसमें तमाम आलू मैंने मिक्स कर लिए हैं अपने, और इसे साथ साथ स्पैचुला की मदद से प्रेस भी करी हूँ ताकि बिल्कुल स्मूथ बन जाए। इसमें हम बाद में नमक ऐड नहीं कर सकते, इसलिए अगर आपने नमक और या अपना कोई भी मसाले की चेंजेस करिए तो वो अपने मसाले में कर दें, क्योंकि आलू डालने के बाद थोड़े मुश्किल से हो जाते हैं, थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और ये हमारी फिलिंग ऑलमोस्ट बिल्कुल तैयार है। सो अब हम चलते हैं अपने पराठा बनाने की जानिब। पराठे मैं हमेशा देसी घी में बनाती हूँ, पराठे ही क्या सुबह का नाश्ता, शादी से पहले भी और अब भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी शौक से घी खा लेते हैं। तो चले जी अब हम पराठा बनाते हैं। पहले मैंने लिए हैं 2 छोटे आम पराठे के, जिसमें 2 छोटे साइज के पेड़े, इन पे मैंने लगाए हैं दोनों तरफ 1 टेबल स्पून घी के। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपनी फिलिंग, इसको मैं अच्छे तरीके से इवनली स्प्रेड कर दूंगी एक तरफ मुझे, और इसको मैं दूसरा, इसके ऊपर रोटी रखी है और मैंने हाथ से ही इसको फैलाने की कोशिश की है। वैसे जितनी जल्दी हमारे कैमरे में बन जाती है रोटी, अगर असल में भी इतनी जल्दी में रोटी या कोई भी चीज़ बन जाए तो मज़ा ही आ जाए। ऊपर भी हम इसके घी लगाएंगे और नीचे भी, और दोनों तरफ से हम इसे मुसलसल घुमाते रहेंगे। मुसलसल घुमाने की वजह से ये होता है, जैसे कि आजकल लोड शेडिंग की वजह से गैस कम है, दरमियानी हिस्से पे ज़्यादा गैस आ रही होती है, साइड पे कम आ रही होती है, तो दरमियान से जल जाएगा और साइड से रह जाएगा। इसलिए मुसलसल घुमाने से इवनली हर जगह इसको सेक लग जाएगा और ये हमारा बन जाएगा खस्ता करारा मज़ेदार आलू का पराठा। तो चले जी एक तैयार हो गया है, इतने में जल्दी जल्दी दूसरा भी तैयार करती हूँ फटाफट। ये आया जी, तो ये हमारा दूसरा भी तैयार हो जाएगा। इस तरह आप इस तरीके से आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा आलू के पराठे, और फिर बताइएगा कमेंट्स के जरिए कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो भी अच्छी लगी है तो आपके जरिए जिम्मे एक मैंने काम लगाया है लाइक शेयर और सब्सक्राइब का। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।